Subscribe to my channel and press the bell icon and never miss out my any videos. Thank you. Hello friends and welcome back to my YouTube channel and I'm Shefali. और आज मैं अपना ब्लॉग 2 बजे स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं सुबह में मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बिजी थी और बिजी होने के कारण थोड़ा शूट करने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं सोच रही थी थोड़ी देर बाद मैं करूँगी आफ्टरनून से, तो मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और आरू सोकर उठ चुकी है और मैं अभी भी बना रही हूँ अपना लंच. मेरा कम्प्लीट नहीं हुआ था लंच, तो मैं अपना लंच बना रही हूँ. आज मैंने क्या मैंने बनाया है, आज मेथी का साग बनाया है मैंने आज, और चावल दाल और सब्जी, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था क्योंकि डेली डेली स्पेशल बनाना मुश्किल होता है. डेली डेली आप क्या अच्छा बनाओगे, मुश्किल से मंथ में 4 से 5 दिन हम लोग नॉनवेज खाते हैं और वेजिटेरियन में बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो खाने के लिए होती है, लेकिन वो आप डेली नहीं खा सकते हो, आपको वो कभी कभी ही खाना होता है. ये लोगों पे डिपेंड करता है, लोग क्या डेली खाना पसंद करते हैं. ऐसे मैं डेली अगर चावल ना खाऊं तो फिर मेरा मन थोड़ा अजीब सा होता है. डेली चावल खाना ज़रूरी है, रोटी सबसे बेस्ट होता है आपका डेली लंच रूटीन जिसमें आप खाना चाहो, मुझे बहुत अच्छा लगता है. और मैं आज रात में बनाने वाली हूँ अपने लिए कुछ स्पेशल क्योंकि मुझे बहुत मन कर रहा था कुछ खाने का, तो मैं आज रात में बनाऊँगी डिनर में डोसा, मसाला डोसा. और मैं आपको भी दिखाऊंगी मैं कैसे बनाऊंगी क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग को भी देखना होता है कि मैं कैसे क्या बनाती हूँ, तो मैं वो भी शेयर करूंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ. कैसे बनाती हूँ मैं रेसिपी पूरी नहीं दूंगी, लेकिन हाँ मैं कैसे कैसे क्या स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगी वो आप देख सकोगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है वीडियो अगर ब्लॉगिंग के बीच में. अगर आपको मैं ये बता दूँ कि डोसा कैसे बनाना है तो बहुत ज़्यादा टाइम ले मतलब लग जाता है, 30 घंटे 45 मिनट का ब्लॉग बन जाता है, तो वो उतने लंबे ब्लॉग मुझे नहीं लगता लोग देखना पसंद करेंगे, तो मैं इसलिए वो अलग से डालूंगी अपनी वीडियोस में. तो अभी तो फिलहाल मैंने आज मॉर्निंग में पूजा किया है और शायद मेरी बिंदी मैंने टीका लगाया था वो टीका हट गया है. आज साईं बाबा का मैं पूजा करती हूँ बृहस्पतिवार को और मुझे बहुत अच्छा लगता है साईं बाबा का पूजा करना क्योंकि मैं थोड़ी सी ज़्यादा उनको बाहर आई हूँ. अभी बहुत बोरिंग के शानदार लग रहा है और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं और वो नहा रहे हैं और नहाने के बाद हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद बैठ कर टीवी देखेंगे या फिर कुछ कुछ काम करेंगे. अजीब सा बोरिंग लगता है दिन अभी का, पता नहीं इतनी ज़्यादा धूप है बाहर मैं क्या बताऊँ, कपड़े तो पापड़ की तरह सूख जाते हैं बिल्कुल भी. अगर आप समय से नहीं उठाओगे तो मैं बहुत पहले ही उठा लेती हूँ. और झारखंड में अभी मैट्रिक एग्ज़ाम चल रहा है तो सारे लोग मेरे घर के पास एक स्कूल है हाई स्कूल, वहाँ सारे लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं एग्ज़ामिनेशन के लिए. सेकंड सीटिंग स्टार्ट हो रही है और मैं देख रही हूँ तो मुझे अपना दिन याद आ रहा है जब मैं एग्ज़ाम देती थी तो कितनी ज़्यादा परेशान थी. और यहाँ अभी एग्ज़ामिनेशन चल रहा है, बहुत सारे लड़के लड़कियाँ एग्ज़ामिनेशन के लिए यहाँ तक बाइक लगा हुआ है, सारे लोग एग्ज़ामिनेशन की डर से बाहर खड़े हैं. जिन लोगों की सेकंड सीटिंग होगी और जिन लोगों की फर्स्ट सीटिंग होगी वो तो आराम से निकल रहे हैं एग्ज़ाम दे के, और जिन लोगों की सेकंड सीटिंग होगी वो बाहर वेट कर रहे हैं अपना टर्म का. और मैं अंदर आ गई, बहुत जल्दी दरवाज़ा लगा देती हूँ क्योंकि मैं कभी नहीं खुला छोड़ती हूँ क्योंकि अंदर से इवनिंग हो गया है, तो वो दोनों निकल कर तैयार हो गए घूमने के लिए और उधर से दूध लेकर भी आना उन्हें, तो अभी टाइम हो गया है 4:30 और मेरे यहाँ 5 बजे आ जाता है, तो पहले थोड़ा सा जाना पड़ता है क्योंकि अगर आप पहले नहीं जाओगे तो आपको पानी वाला दूध मिलेगा और अच्छा दूध पाना है तो पहले जाओ और जाकर दूध वहाँ से लेकर आओ. तो और मैं अभी बैठी भी देख रही हूँ, मेरी मेट काम कर रही है और बस यही करना है. मैं आपको दिखाती हूँ मेरी आईब्रो पेंसिल कैसी है जो बहुत ही अफोर्डेबल है और आपके पूरे चेहरे का मेकअप को बिल्कुल खूबसूरत बनाता है, तो चलिए वो दिखा देती हूँ पहले. तो ये मेरी मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल जो बिल्कुल वाटरप्रूफ है और बहुत ही ज़्यादा मतलब अफोर्डेबल है और इसका कलर ब्लैक नहीं है, ये डार्क ब्राउन है. मैं आपको दिखा देती हूँ, इस पर डार्क ब्राउन लिखा हुआ है, तो शायद दिख रहा है या नहीं, अब शायद दिख जाए. तो ये डार्क ब्राउन है और इसका शेड है 02
और ये बिल्कुल वाटरप्रूफ है, बिल्कुल मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल इस तरह का होता है और इसमें एक ब्रश एप्लीकेटर भी होता है जिससे आप करने के बाद फिल करने के बाद इसे शार्प बनाओगे और इसे कॉम कर लोगे। और ये बहुत पिगमेंटेड है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत पिगमेंटेड है, मतलब ब्लैकिश आईब्रो पेंसिल कभी नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो आपके आईब्रोज़ को नेचुरल लुक नहीं देता है, वो बिल्कुल ब्लैक कर देता है आपके हेयर की जैसा। तो आपके आईब्रोज़ को ब्लैक नहीं करना होता है, हमेशा ब्राउन शेड ही यूज़ करें, आईब्रो पेंसिल हमेशा ब्राउन ही करना चाहिए, ब्लैक बहुत ही ज़्यादा डार्क कर देता है और वो नेचुरल लुक नहीं देता है। मेरा गला थोड़ा सा टॉन्सिल बड़ा हुआ है मेरा, हमेशा पड़ जाता है, अभी फ़िलहाल मैं उसे वो जो दवा होता है ना होम्योपैथिक वो यूज़ कर रही हूँ, मेरा गला हमेशा बैठ रहता है, टॉन्सिल हमेशा फूल जाता है और थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, अभी थोड़ा कम है, ले जाता है बढ़ जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये है मेरा मिस क्लियर का पेंसिल और मैंने इसे अमेजोन से खरीदा था और बहुत ही अफोर्डेबल है, 30 रुपीज़ का है ओनली, और ये बहुत दिन चलने वाला है क्योंकि इसकी जो लेंथ है ना काफ़ी बड़ी है, तो ये काफ़ी दिनों तक चलने वाली है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये मेरा आईब्रो पेंसिल और सेकेंड चीज़ मैं दिखाती हूँ, मेरे पास है जो मैं हमेशा रेड कलर का लिपस्टिक लगाती हूँ, बिल्कुल मैट होता है, वो है ये मेरा मैकनी का सुपर स्टिक लिप ग्लॉस। ये मैंने खरीदा था ऑनलाइन मार्केट से, परचेस किया था और ये बिल्कुल मैट है, बहुत ही अच्छा लिपस्टिक है और फिलहाल तो ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसकी एम्प्टी हो चुकी है, इसमें बिल्कुल ये सूख चुका है या फिर ख़त्म हो गया है, मुझे नहीं लगता ख़त्म हुआ है। तब प्यारा शेड है, ये बहुत ही अच्छा शेड है, मैं आपको लगा के देखती हूँ, अभी मैंने लिप बाम के ऊपर लगा लिया, इसलिए थोड़ा सा ग्लॉसी लग रहा है, नहीं तो ये बिल्कुल मैट है, इस तरह का होता है, हो जाता है मैट। और ये लिपस्टिक मैंने इतना में परचेज किया था, 175 या 125 इसी के बीच का था, ये बहुत अफोर्डेबल है और ये आपको बहुत अच्छा कलर देता है आपके लिप्स पे और 4 से 5 आवर्स ये बिल्कुल टिके रहते हैं, अगर आप कुछ खाओगे तो वो बीच से निकल जाएंगे, मगर साइड साइड में आपका वैसा ही रहेगा तो वो अच्छा नहीं लगता है, पर अगर आप कुछ खाओगे नहीं तो ये लिपस्टिक आपकी 4 आवर बिल्कुल आराम से चल जाएंगी। और ये कलर बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये मेरा फेवरेट है लिपस्टिक अभी तक का, मैंने इस तरह से कर दिया तो ये ऐसा हो गया, ये बहुत अच्छा है, मैं इसका हमेशा यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट लिपस्टिक है। और ये शादी या तीज त्यौहार होते हैं उसमें आप यूज़ करो तो शादीशुदा लड़कियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं इस लिपस्टिक में, और गर्लिश पे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, जो लड़कियाँ टीनेजर्स होती हैं वो लगाती हैं तो उन पर एकदम बिल्कुल धमाल टाइप लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों चीज़ मैं सबसे ज़्यादा मेकअप में यूज़ करती हूँ, ये मेरे फेवरेट लिपस्टिक और फेवरेट आईब्रो पेंसिल है, और मैं इससे पहले एक से लोकल मार्केट से यूज़ करती थी आईब्रो पेंसिल, वो मैं ब्राउन सेट में यूज़ करती थी पर वो उतने अच्छा नहीं था, और ये बहुत अच्छा है। तो ये दोनों चीज़ मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादा अपने मेकअप में। चुका है और मेरा डिनर रात का कुछ भी तैयारी भी मैं नहीं की हूँ अच्छे से और बहुत कुछ बाकी है। और आपको पता है अगर आपको डोसा बनाना होता है तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है और बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है बनाने में, तो मैंने चाय पी लिया है और मैं जा रही हूँ अभी प्रिपरेशन करने सारी चीज़ों का, क्योंकि
पहले सांभर बनाना होता है, फिर चटनी, फिर डोसे का बैटर को तैयार करना होता है, फिर उसको, फिर उसके लिए वो क्या कहते हैं उसको, मसाला भी तैयार करना बाकी है और सब कुछ बाकी ही है, ऑलमोस्ट सारे चीज़ बाकी है, तो मैं सारा चीज़ कंप्लीट करने जा रही हूँ। आरू डोंट टच, तो मैं सारे कुछ तैयार करने जा रही हूँ। मैं फिलहाल अभी बादाम फ्राई कर रही हूँ और चना दाल को फ्राई करके मैं पहले में भिगो चुकी हूँ। कम यार, कम यार, तो जाओ बताओ। तो मैं जा रही हूँ अपने तैयारी करने, प्रिपरेशन करने, उसके बाद आरू को भी दूध पिलाना है और मैं आपको मिलती हूँ 1 घंटे बाद आपसे। ओके, बहुत ज़्यादा खिस्ती बना था और मतलब इनको बहुत अच्छा लगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आलू भी आई बहुत मन से खाई, मैं वो नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि मैं बना रही थी, नहीं तो आलू बहुत अच्छे से खाई है, मतलब चटनी को चाट चाट के खा रही थी और उसे सांभर बहुत अच्छा लगा, वो सांभर भी पी रही थी और अभी वो कार्टून देख रही है। आपको दिखाती हूँ, आलू आराम से बेड पर लेटी हुई है और कार्टून देखती है। जब ये कार्टून देखती है तो आप इसको जब देखोगे तो लगेगा अरे यार कितना अच्छे से, कितना ध्यान से देखती है। तो मैं जा रही हूँ अब सोने और बहुत रात हो चुकी है और हम लोग बहुत थक गए हैं, 9:30 टाइम हो रहा है और सोएंगे और मैं अपने ब्लॉग को यही एंड कर रही हूँ और इसे एडिट करना है और इसे मैं अपलोड करूँगी। तो ठीक है, मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। और मैं जा रही हूँ सोने, ठीक है, बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।